अब देखो ये क्वेश्चन हमें बहुत दिन से सुनने को मिल रहा है कि क्या हमें शी हल्क सीरीज से दूसरे सुपर हीरोज के कैमियोज देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ बात पॉपुलर सुपर हीरोज की कर रहा हूँ, क्योंकि शी हल्क के क्रिएटर शुरुआत से ही ये बोलते आए हैं कि इस सीरीज में मार्वल फैंस के लिए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं उन कुछ डिटेल्स पर जो हमें अभी तक इसके पहले और दूसरे एपिसोड में देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो शुरुआत करते हैं दूसरे एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस से, जो कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर एक्समैन का रेफरेंस था। जी बिल्कुल सही समझा आपने, हम यहाँ बात वोल्वरीन की कर रहे हैं, जिसकी एंट्री अब हमें मार्वल यूनिवर्स में कंफर्म होती नजर आ रही है। तो ये रेफरेंस नजर आता है जेनिफर वॉल्टर्स के लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले तो टॉप पर हमें फाइंड एंटमैन नजर आता है, जिसके साइड में नॉर्स माइथोलॉजी जो कि थॉर का रेफरेंस है, जबकि दूसरी तरफ हमें एवेंजर्स लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर नीचे वाले दो आर्टिकल्स हैं, जहां सबसे पहले हमें सेलेस्टियल टियामुट का रेफरेंस दिखाई देता है, जो कि ऑब्वियसली इटर्नल से था, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स में सेट हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर वाला रेफरेंस इस सीरीज का शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव रेफरेंस हो सकता है, जो कि वोल्वरीन के ऊपर है, जिसमें हम लिखा हुआ देखते हैं कि एक क्लॉज वाला इंसान किसी बार में फाइट कर रहा था। और मैं जानता हूं, मुझे यहां आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्लॉज वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वोल्वरीन है, क्योंकि अगर आपने एक्समैन का पहला पार्ट देखा हो तो उसमें भी सबसे पहले वोल्वरीन बार में जाकर ही तोड़फोड़ करता है। तो ये देखना बहुत ही अच्छा होगा कि कैसे मार्वल वोल्वरीन को प्रॉपरली कॉमिक्स की तरह ही अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करता है। वैसे यहाँ एक और कनेक्शन इंसोम्निया गेम से भी है, जिसमें वोल्वरीन ऐसे ही बार में जाके फाइट करता है। हम ऐसे ये बोल सकते हैं कि ये मार्वल यूनिवर्स में पहली बार प्रॉपर मेंशन था किसी एक्समैन का, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ हिंट दी जा रही थी म्यूटेंट्स के ऊपर, जिसको हम मिस मार्वल में देख चुके हैं अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को छोड़ दे तो, क्योंकि उसमें हमें ये दिखाया है कि म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो अर्थ दूसरी थी। पर इस रेफरेंस से ये क्लियर हो गया कि म्यूटेंट्स बाकी दूसरे सुपर हीरोज के साथ अर्थ 616 पर भी एग्जिस्ट करते हैं। और अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मार्वल यूनिवर्स वोल्वरीन को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन हमें इस एपिसोड में जो देखने को मिला है वो वर्ल्ड वॉर हल्क का है, जिसके लिए तो सच में मैं मार्वल स्टूडियोज से प्रे करूंगा कि प्लीज उसे सेट कर दो, क्योंकि हल्क की जो हालत मार्वल स्टूडियोज ने की है ना यार, वो सच में देखा ही नहीं जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पॉसिबिलिटी बहुत यहाँ कमजोर लग रही हैं, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने हाल फिलहाल में इतने लूज अडेप्टेशंस लिए हैं जिनको देखकर अब डर लगने लगा है। पर अगर ये स्टोरी लाइन यहाँ सटीक बैठती है तो शायद हमें एक सुपर पावरफुल हल्क जरूर देखने को मिलेगा, जिसको शायद फैंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर फिलहाल तो बात अगर शी हल्क की करी जाए तो इन सब के अलावा हमें एबोमिनेशन, टटियाना और शायद डेयर डेविल की एंट्री भी हमें देखने को मिलने वाली है। टटियाना को हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं, जो सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर है, जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है, क्योंकि कॉमिक्स में टटियाना को पावर्स डॉक्टर डूम से ही मिलती है। खैर, एबोमिनेशन और टटियाना के इंट्रोडक्शंस तो ऑब्वियस थे, पर देखना तो ये है कि मेकर्स इसमें दूसरे कैरेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन इन दोनों एपिसोड्स में थी वो मैंने आपको दे दी है, इसीलिए आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस सुपर हीरो कैमियो को शी हल्क में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।